दोस्तों, अन्नासेओ, कैसे हैं आप सब? दोस्तों, आप सभी ने काफ़ी सारे BTS मेंबर्स को बहुत ही बार चश्मे या फिर ग्लासेस यूज़ करते हुए देखा होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि वो ऐसा सिर्फ फैशन के लिए करते हैं या फिर सच में किसी BTS मेंबर की आईसाइट वीक है? क्या ऐसा कुछ है? तो दोस्तों, इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करने वाले हैं। तो आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर जरूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि सारी वीडियोस आपको टाइम से मिल जाएं, और खास अपडेट्स के लिए इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो जरूर कर लें जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। दोस्तों, बात करें ग्रुप के सबसे बड़े मेंबर की जिनका नाम वर्ल्ड वाइड हैंडसम यानी जिन है, तो दोस्तों आप में से शायद बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा कि जिन की आईसाइट वीक है। दोस्तों, जिनको बचपन से ही, जब से वो छोटे थे तब से जो भी फोटोज़ उनकी वायरल हुई हैं, हर फोटो में ग्लासेस पहने हुए देखा गया है। और दोस्तों, जब उन्होंने BTS ज्वाइन करा था तब भी वो ग्लासेस पहनते थे। हालांकि दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, जिन खुद को वर्ल्ड वाइड हैंडसम कहते हैं, और शायद उन्हें लगता था कि उनकी ब्यूटी में उनके ग्लासेस एक हर्डल बन रहे हैं, और इसीलिए दोस्तों जब वो ट्रेनी की तरह BTS में शामिल हुए थे तो वो लेंसेस पहनने लगे थे। और दोस्तों, ऐसा इसलिए भी करा जाता है क्योंकि जब उन्हें डांस करना होता है या फिर कोई एक्सरसाइज करनी होती है, उस समय ग्लासेस पहनना बहुत मुश्किल हो जाता है। और दोस्तों, उसके बाद उन्होंने मेंशन करा था कि उन्होंने परमानेंट कॉन्टैक्ट लेंसेज लगवा लिए हैं जिसकी वजह से अब उन्हें ग्लासेस नहीं पहनने पड़ते। दोस्तों, इसके साथ साथ आपने काफ़ी बार नोटिस करा होगा कि जिन अपनी आंखों को बहुत ही बार ब्लिंक करते हैं या फिर बहुत ही ध्यान से देखते हैं ताकि उन्हें साफ दिख जाए। तो दोस्तों, इससे पता चलता है कि उनकी आईसाइट अभी भी वीक है, लेकिन क्योंकि उन्होंने परमानेंट कॉन्टैक्ट लेंसेज लगवा लिए हैं उसकी वजह से उन्हें ग्लासेस नहीं पहनने पड़ते। दोस्तों, नेक्स्ट है हमारे किम नामजून यानी BTS के लीडर। तो दोस्तों, BTS के लीडर की भी जो डेब्यू से पहले की फोटोज़ हैं उसमें नामजून ने ग्लासेस पहने हुए हैं, और दोस्तों आज भी आपने काफ़ी सारी पिक्चर्स में उन्हें ग्लासेस पहने हुए देखा होगा। हालांकि जब भी BTS परफॉर्म करते हैं तो मुझे लगता है कि शायद वो कॉन्टैक्ट लेंसेज यूज़ करते हैं ताकि स्टेज पर उन्हें ग्लासेस की वजह से कोई भी दिक्कत ना हो। दोस्तों, नेक्स्ट है हमारे किम तेयोंग। दोस्तों, तेयोंग तो वर्ल्ड वाइड हैंडसम सच में है क्योंकि लोगों ने उन्हें ये टाइटल काफ़ी बार दे दिया है, लेकिन दोस्तों आपने वी को भी बहुत बार चश्मा पहने हुए देखा होगा। दोस्तों, इसके साथ साथ वी की जो भी बचपन की पिक्स है वहाँ पर भी अपने स्कूल की पिक्स में भी उन्होंने चश्मा पहना हुआ है, जिससे पता चलता है कि उनको बचपन से ही चश्मा लगा हुआ है। हालांकि जैसे कि RM करते हैं कि स्टेज पर वो चश्मा नहीं पहन सकते, उसी तरह वी भी स्टेज पर चश्मा नहीं पहनते, लेकिन काफ़ी सारी चीज़ों में उन्हें चश्मा पहने हुए देखा जाता है। जैसे कि बॉर्न बॉयज में भी काफ़ी जगह उन्होंने चश्मा पहना हुआ था, BTS की जो वीडियोज़ आती हैं वहाँ पर भी वी ने काफ़ी बार चश्मा पहना हुआ होता है। दोस्तों, बात करें जिमिन की, तो दोस्तों शायद जिमिन ही BTS में ऐसे मेंबर हैं जिनकी आईसाइट काफ़ी ज़्यादा वीक है, क्योंकि दोस्तों आपने जिमिन को चश्मा पहने बहुत बार देखा होगा। दोस्तों, यहाँ तक कि जिमिन के जो स्कूल की फ़ोटोज़ हैं, जो उनकी प्रोफाइल है, वहाँ पर भी जिमिन ने प्रॉपर चश्मा पहना हुआ है जो आईसाइट का चश्मा होता है। और दोस्तों, अभी भी जैसे आपने BTS इन द सूप के एपिसोड्स देखे होंगे या फिर पहले कोई भी चीज़ देखी होगी, जिमिन बहुत बार चश्मे में दिखाई देते हैं, और इसी से पता चलता है कि शायद जिमिन को हर समय चश्मे की ज़रूरत होती है। दोस्तों, इसके बाद बात करें सुगा की, तो सुगा को भी बहुत बार चश्मा पहने हुए देखा गया है। दोस्तों, यहाँ तक कि जब भी सुगा काम कर रहे होते हैं तो उस समय वो हमेशा चश्मा पहनते हैं। दोस्तों, जंगकुक बहुत ज़्यादा चश्मा नहीं पहनते, लेकिन कभी कभी उनकी कोई कोई फोटोज़ ऐसी हैं जहाँ पर उन्होंने चश्मा पहना हुआ है। हालांकि ये बात कंफर्म नहीं है कि वो ऐसा आईसाइट के लिए करते हैं या फिर बस फैशन के लिए करते हैं। दोस्तों, बात करें आर्मी की सनशाइन की, तो जितने ब्राइट जे होप हैं उतनी ही ब्राइट उनकी आईसाइट भी है। यानी दोस्तों, पूरे BTS के मेंबर में सिर्फ जे होप ही ऐसे मेंबर हैं जिन्हें आईसाइट का प्रिस्क्रिप्शन नहीं मिला हुआ है, यानी उनकी आईसाइट बिल्कुल भी वीक नहीं है। वो जब भी ग्लासेस पहनते हैं तो हमेशा वो सिर्फ फैशन सेंस के लिए पहनते हैं या फिर इसलिए पहन लेते हैं क्योंकि सभी मेंबर्स ने पहना हुआ होता है। दोस्तों, बहुत बार ऐसा होता है कि BTS खुद बताते हैं कि जब सब मेंबर्स कोई काम कर रहे होते हैं तो वो भी वही काम करने लग जाते हैं ताकि सब में एक ही जैसी चीज़ें दिखाई पड़े। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी, और अगर आपको पसंद आई तो हमें कमेंट्स में ज़रूर बता दें, वीडियो को शेयर और लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो ज़रूर कर लें जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।